गुलार्चे से आपको अपडेट करेंगे। नाज मिठू की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी योम तिब्बत टीबी के मुनासबत से कॉलेज ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफरी स्कूल बदीन में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खताब करते हुए मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फातेह इलियो ने कहा, टीबी के खात्मे के लिए लोगों को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। जिस कौमें शौर हो वो कौमें फर्ज से अर्ज तक पहुँच जाती हैं, लेकिन अगर शौर ना हो तो तरक्की याफ्ता कौमें भी जवाल का शिकार हो जाती हैं। उन्होंने कहा, मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है वह लोगों को टीबी से मुतल्लिक आगाही फराहम करें। इस जिम्मेदारी में नर्स का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि हम इस नर्सिंग कॉलेज के हर तलबा से तवक्का रखते हैं, वो सेहत की बेहतरी के लिए टीबी के खात्मे के लिए जिदोजहद करेंगी। उन्होंने कहा कि नीयत साफ हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं। सेमिनार में नर्सिंग कॉलेज के तालिबात ने टीबी की अलामत और इससे बचाव के बारे में तफसीली मालूमात दी। इनका कहना है, टीबी एक जरासीम से फैलने वाली बीमारी है जो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये फेफड़ों में होता है। इस बीमारी की इब्तदाई अलामत में 3 हफ्ते से जायद खांसी, हल्का बुखार, पसीना आना, भूख का ना लगना, वजन में कमी, बलगम में खून आना। अगर इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो करीबी डिस्पेंसरी अस्पताल में डॉक्टर से रबता करें और अपने बलगम का टेस्ट करवाएं। इनका कहना है, टीबी काबिल इलाज है लेकिन अगर बर वक्त इलाज न किया तो मौत बाकी हो सकती है। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जहीरुद्दीन मेमन, प्रिंसिपल फजलुद्दीन सहरू, रोशन अली और दीगर ने भी खिताब।